गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी स्टैंडर्ड वन। ओके, आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी स्टैंडर्ड वन। हिंदी में बेटा आपने क्या किया था? वर्णमाला स्वर किए थे, अ से आह तक, क से घ तक। ओके, वर्णमाला में क्या किया था आपने? वर्णमाला में क्या आ गया था? स्वर और व्यंजन। ओके, क्या आया था? स्वर और व्यंजन। ओके, तो स्वर में क्या आता है? अ से अह तक, और व्यंजन में क्या आता है? क से घ तक, और हमने उसकी मात्राएं भी लिखी थी। ओके, आज हम छोटे आ से अनार, ये निकालो, ओपन करो, ये करो, छोटे आ से अनार, ये वाला पूरा लर्न बाय हार्ट करेंगे। छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार निकालिया सबने, छोटे आ से अनार। उसके हम क्या लिखेंगे? शब्द लिखेंगे, छोटे आ से अनार। इसकी पहले हम मात्रा, इसकी मात्रा कैसे होती है? सिंपल होती है। इसकी मात्रा कैसे होती है? सिंपल होती है। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, छोटे आसना, छोटे आ की मात्रा कैसे होती है? इस तरह की होती है, डैश। देखिए, अब इसके हम 12 खड़ी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये देखो, लिखा है ना, क से ग तक, ऐसे लिखो करके लिखा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? चैप्टर नंबर वन। इसको हम क्या बना देंगे? चैप्टर नंबर वन। क्या बना देंगे? वन। तो पहले चैप्टर नंबर वन को कैसे लिखेंगे? छोटे आ से अनार। तो अनार के ऊपर में क्या आएगा? जैसे क की बड़ा खड़ी है, तो क की 12 खड़ी में कैसे आ जाएगा? पूरा सिंपल आ जाएगा, क ख ग घ, ऐसे मात्रा लग जाए, क ख ग घ। ओके, ना च छ ज ज न्या, ठीक है, क ठ ड र द थ द। देखो ब्लैक बोर्ड पे, देखो ब्लैक पेन यहाँ लेके आई कि मैंने वो बना लिया तो ऊपर डाल रहा है। खरगोश,
ग से गमला, ग से घर, न्या खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, न्या खाली, ट से टमाटर, ख से खटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न्या खाली, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, प से पतंग, प से फल, ब से बकरी, भ से भगत, भ से भगत, म से मछली। ओके, प से पतंग, प से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली। इतना रिवाइज कर पहले। बोलो बेटा, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घर, न्या खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, न्या खाली, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ढ से डमरू, ढ से ढक्कन, न्या खाली, द से तलवार, थ से थर्मस, ड से दवात, ध से धनुष, न से नल। बुक से पतंग, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली। ठीक है, अब आगे करके य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़का, व से वजन, व से वजन, श से शरबत, श से शरबत, षटकोण वाला श, ये षटकोण वाला स, और स से सपेरा, स से सपेरा, ह से हल, ह से हल, ह से हल, छ प्रज्ञ, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। मैं ये देखिए, आ की मात्रा वाले
आ की मात्रा वाले शब्द भी है, आ की मात्रा वाली बारह खड़ी भी है, ठीक है। तो ये आ के शब्द वाले बारह खड़ी और आ के शब्द वाले ये बारह खड़ी हो गई। अब इसके हम क्या लिखेंगे, शब्द लिखेंगे। पहले ये अच्छी तरह से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो आप। देखिए, क से कबूतर, ख से खरगोश, सबके बारे में चाहिए। ग से गमला, घ से घर, न्याखरी, च से चम्मच, छ से छत्रिय, नहीं छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, न्याखली, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न्याखली, ट से तलवार, ठ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, प से फल, व से बता, म से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़का, व से वजन, से शरबत, से षटकोण, से सपेरा, ह से हल, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। अब इसकी आ वाली की मात्रा करेंगे। आ की मात्रा के शब्द क्या आएगा चैप्टर वन में, अ की छोटे अ की मात्रा वाले शब्द, अ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। आपको लिखना आता है, अभी लिखने को दूंगी। देखिए, कमला, आपकी मात्रा वाले शब्द कौन से हो गए, कमला। कितने थ्री टाइम्स बोलेंगे, कमल। छोटी अ की मात्रा वाले शब्द कौन सी मात्रा वाले शब्द कहलाते हैं, छोटी अ की मात्रा वाले शब्द, कमला,
Thank you.
ओके, आज हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर वन, छोटी आ की मात्रा के, छोटी आ की शब्द, उनसे जो बाराखड़ी बनती है, छोटी आ की मात्रा लगाना सीखा, उसकी बाराखड़ी जो होती है वो सीखी, और छोटी आ के शब्द सीखे। तो आज हम इतना ही करेंगे, एक ही एक दिन में एक ही चैप्टर होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।